80 शब्द पर मिनट दीपक प्रकाशन डिक्टेशन डिक्टेशन स्टार्ट 3 2 1 रेडी। अध्यक्ष महोदय, भारत के लोगों ने लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी राज्य में परतंत्रता को गहराई से महसूस किया था, पर देसी के प्रति गुस्से और विद्रोह का अभ्यास तो भारत के लोगों को पिछले 1000 वर्षों से था, जब वे भारत में आई अनेक आक्रांता शक्तियों से जूझते रहे और अपना मूल सांस्कृतिक जीवन सुरक्षित रखकर जीवन यापन भी करते रहे। जैसा कि सभी कहते हैं कि अनेक संस्कृतियां पिछले 1000 वर्षों में भारत की मूल संस्कृति में समाहित हो गईं, पर अंग्रेजी राज के प्रति भारत का गुस्सा अलग ही था। वह राज एक ऐसी संस्कृति भी साथ लेकर आया था जो इस देश की शिक्षा, खेती किसानी और देश के मूल जीवन राग को ही नष्ट कर रहा था। अपने सांस्कृतिक क्षय की चिंता में भारत की विभिन्न जातियों और समुदायों के लोग 19वीं सदी के प्रारंभ से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध अपने गुस्से का इजहार करने लगे थे और वह ताकत भी इकट्ठा करने लगे थे जो आज़ादी का महासमर लड़ने के काम आई। हम इस थोड़ी सी जगह में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी कहते हुए भारत के हृदय प्रदेश में बसे मध्य प्रदेश के लोगों की आज़ादी के महासमर में निभाई गई भूमिका को संक्षेप में रेखांकित करना चाहते हैं। पैरा, सीहोर और भोपाल में इस महान जनक्रांति में अगर कुछ हुआ तो वह सीहोर कैंटोनमेंट के सिपाहियों का विद्रोह, नवाब सिकंदर बेगम की अंग्रेजों के सहयोग देने की नीति के कारण इन दोनों जगहों पर विद्रोह ने वह सकल अख्तियार नहीं की जैसा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में संभव हो पाया। सीहोर में सिपाहियों ने विद्रोह के बाद छावनी पर कब्जा कर लिया, अंग्रेजों के बंगले जला दिए, पोस्ट ऑफिस और सीहोर चर्च भी विदेशियों से नहीं बचे। सुजात खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की वेरछा ट्रेजरी को लूट लिया, ट्रेजरी पर कूच करने का आदेश सिकंदर बेगम ने सुजात खान के विरुद्ध दिया, जिनकी उन्होंने अवज्ञा की थी। बाद में सीहोर के अनेक विद्रोही कानपुर जाकर नाना साहब के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़े। बैतूल जिले में इस दौरान अंग्रेज सतर्क थे और इसी सतर्कता के कारण वे
5 अक्टूबर 1857 को सियोदीन मालगुजार द्वारा वैतूल के समीप एक गांव में छिपाए गए शस्त्रों को बरामद कर सके। स्टॉप।